शिक्षक बच्चों को शिक्षा देकर राष्ट्रभक्त बनाते हैं। जब शिष्य तरक्की का मुकाम हासिल करते हैं तो माता पिता के साथ गुरुओं का भी मान बढ़ाते हैं। यह बात घटिया विधायक रामलाल मालवीय ने कही। विधायक मालवीय उज्जैन में मंगलनाथ रोड पर मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। कर्मचारी कांग्रेस पदाधिकारियों की मौजूदगी में शिक्षकों का सम्मान किया गया। इसमें घटिया तहसील के विधायक रामलाल मालवीय और नए विधायकों का भी सम्मान किया गया। विधायक मालवीय ने कहा कि गुरु और शिक्षकों का सम्मान करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि गुरु सम्मान सर्वोपरि है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। किस प्रकार से आयोजित किया गया था और किस प्रकार से क्या रहा? मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस द्वारा हमारे संगठन के जो सेवानिवृत्त पदाधिकारी हुए थे उनकी सेवानिवृत्ति के सम्मान में हमारे द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजक मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मेरे भाई सुरेंद्र सिंह चौहान और पूरे हमारे जिले की पदाधिकारी थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामलाल जी मालवीय विधायक विधानसभा क्षेत्र घटिया, इसी के साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री वीर सिंह राणा साहब, शासकीय उमावी निपानिया के उनके अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे 6 पदाधिकारी, इसमें श्री अशोक कुमार श्री जो कि उज्जैन से थे, प्रांतीय सचिव थे, श्री बालकृष्ण विजयवर्गीय ये भी प्रांतीय सचिव जो वडनगर से थे, प्रमोद त्रिपाठी, बाबूलाल कुमावत और शकुंतला वर्मा ये उज्जैन से थे, एक हमारे पदाधिकारी आनंदीलाल कुर्मी जिन्होंने शासन की वर्तमान में बहुत सारी विसंगतवान नीति से व्यतीत होकर 2 साल सेवा अवधि रहते हुए अनिवार्य सेवा निवृत्ति ली, ऐसे उमरिया जागीर के प्रधानाध्यापक आनंदीलाल कुर्मी, इनका हमारे द्वारा सेवा निवृत्ति पर सम्मान किया गया था। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल नामदेव, लिपिक व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष देवेन व्यास, राज्य अध्यापक संघ के मोहम्मद हनीफ शेख, राज्य संविदा अध्यापक संघ के श्री दिग्विजय सिंह चौहान, अपाक्ष के नरेश आठिया और मेरे आगर के अध्यक्ष रमेश बैगाना के साथ हमारे लगभग 250 शिक्षक कर्मचारी और मेरे संगठन के सभी पदाधिकारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।